नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में, हमने पढ़ा था लास्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, हमने जितनी भी इनपुट डिवाइसेस थी उनको सबको हमने क्या किया था, कवर कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज। कौन से पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइसेज। तो हेडिंग हमारी आज की जो क्लास की रहेगी वो रहेगी आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज। अब हमने कहा कि जो आउटपुट डिवाइसेज हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो डेटा होता है वो डेटा हम किसको देते हैं? सीपीयू के पास देते हैं। जो डेटा होता है कहाँ पे जाता है? सीपीयू के पास जाता है। किसकी सहायता से जाता है? इनपुट यूनिट की सहायता से जाता है। किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास, यानी सीपीयू के पास, प्रोसेसर के पास। और ये जो डेटा है ये जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में किसमें बदल जाता है? इन्फॉर्मेशन में। किसमें बदलेगा? इन्फॉर्मेशन में। किसकी सहायता से? ये किसकी सहायता से बदलता है? ये बदलता है आउटपुट, ए प्रोसेसर की सहायता से किसमें बदल गया? इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कौन से डिवाइस का होना जरूरी है? इन आउटपुट डिवाइस का होना जरूरी होता है। तो ये जो हमने बात की थी, हमने कहा था डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू के पास, प्रोसेस होने के बाद डेटा किसमें बदल जाता है? इन्फॉर्मेशन बदल जाता है। और इन्फॉर्मेशन को हम किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो कहने का मीन्स है, इसकी अगर मैं बात करूं, वे सभी आउटपुट डिवाइसेज जिनके द्वारा डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। हमने ये कहा कि वे सभी डिवाइस यानी यंत्र जिनके द्वारा क्या किया जाता है? डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन को अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें, यानी प्रिंट करवाना हो या दिखाई देना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो जो अगली बात हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स याद रख लेना, दो वर्ड याद रख लेना। एक होता है सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। आउटपुट डिवाइसेज में ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक होता है सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी, और एक होता है यहाँ पे हार्ड कॉपी। एक होता है हार्ड कॉपी, यानी दो टर्म यहाँ पे याद रख लेना। दो प्रकार के होते हैं आउटपुट डिवाइस, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होते हैं हार्ड कॉपी। अब हमने कहा, देखो नाम से पता है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट यानी सॉफ्ट और हार्ड यानी हार्ड। तो यहाँ पे हमने बात की सॉफ्ट कॉपी की, जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसे आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे जो क्या हैं, आपके अस्थायी आउटपुट होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी आउटपुट होते हैं। तो यानी हमने कहा ये अस्थायी आउटपुट होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी आउटपुट होते हैं। यानी कहने का मीन्स है, हमने ये कहा यहाँ पे, ये कैसे होते हैं? अस्थायी आउटपुट होते हैं। तो हमने कहा कि कौन से होते हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं? जिनके द्वारा परिणाम को सुन सकते हैं या देख सकते हैं। अब हमने कहा जिनके द्वारा हम परिणाम को क्या कर सकते हैं? ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होंगी जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? या तो हम क्या कर सकते हैं? कानों के द्वारा सुन सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे उदाहरण की बात करूँ, यहाँ पे दोस्तों किसकी बात करूँ? उदाहरण की बात करूँ यहाँ पे, कि उदाहरण कौन कौन से होंगे यहाँ पे, तो ध्यान दे लेना। यहाँ पे उदाहरण की बात करूँ तो कौन कौन से होंगे? सिंपल से पहले हम देखने वालों की बात करते हैं, किसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो देखने की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखने के लिए हमने कहा यहाँ पे मॉनिटर होगा। क्या होगा? मॉनिटर होगा, क्योंकि हमने कहा कि मॉनिटर जो होता है, जो टीवी की तरह होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं परिणाम को। क्या कर सकते हैं? परिणामों को देखा जा सकता है, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको देख सकते हैं। अब हमने कहा इसके अलावा किसकी सहायता से देख सकते हैं? हमने कहा प्रोजेक्टर भी होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टर भी होता है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं।
हमने कहा प्रोजेक्टर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब सुनने की बात आती है, सुनने का जो कार्य होता है किसकी सहायता से देख सुनने का कार्य होता है, तो याद रख लेना सुनने का जो कार्य होता है वो होता है यहाँ पे स्पीकर द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्पीकर द्वारा। अब हमने कहा कि जैसे मान के चलो कोई फाइल है, उस फाइल को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फाइल को देख रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं। तो वो किस प्रकार की हुई फाइल? अब हम कहते हैं पेन ड्राइव में कोई फाइल रखी है हमारे पास, ठीक है, चाहे कोई भी फाइल मान लो, चाहे डॉक्यूमेंट फाइल मान लो, चाहे पावर पॉइंट की फाइल मान लो, कोई सी फाइल है, हम क्या कर रहे हैं उसको मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं उस फाइल को। तो वो क्या है, किस तरह की है? वो अस्थाई है। क्यों है अस्थाई? कारण क्या है इसके पीछे अस्थाई होने का? क्योंकि हमें पता है कि पेन ड्राइव में हो सकता है पेन ड्राइव का डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है, तो उस कारण में वो क्या है अस्थाई तौर पे है। हो सकता है हार्ड डिस्क में कोई फाइल है, मॉनिटर भी दिखाई दे रही है हमें, अब उस हार्ड डिस्क, हो सकता है हार्ड डिस्क भी तो खराब हो सकती है, तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो खराब हो सकता है, तो भी क्या है वो अस्थाई में आ गई। अब प्रोजेक्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्टर और मॉनिटर एक जैसे हैं। प्रोजेक्टर की सहायता से हमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी क्लासेज हैं वहाँ पे देखे होंगे, सेमिनार वगैरह हम देखा होगा प्रोजेक्टर, वहाँ पे प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल में देखे होंगे हमने, तो जो प्रोजेक्टर होता है वहाँ पे क्या इस तरह से होता है, और उसका जो प्रोजेक्टर की सहायता से हम क्या करते हैं जो पर्दा होता है उसके ऊपर दिखाई देते हैं चित्र जो भी है। तो प्रोजेक्टर भी क्या है आपका अस्थाई आउटपुट होता है। इसके बाद स्पीकर की बात की, सुनने की बात करें, हमने कहा सुनने वाले कोई फाइल है, यानी हमने कहा MP3 जो फाइल है उस फाइल को हम सुन रहे हैं, क्या करें स्पीकर की सहायता से सुन रहे हैं, है तो किसी न किसी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या किसी स्टोरेज डिवाइस में है, तो जब स्टोरेज डिवाइस में जब वो फाइल है तो सिंपल सी बात है तो वो डेटा भी क्या हो सकता है आपका स्टोरेज वाला, वो जैसे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, तो यहाँ पे भी दोनों वाली फाइल क्या हो सकती है खराब होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे भी, तो वो भी किस प्रकार की है अस्थाई आउटपुट है। कैसा आउटपुट है? अस्थाई आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हार्ड कॉपी की बात करूं, ये स्थाई आउटपुट होते हैं। कैसे होते हैं? स्थाई आउटपुट होते हैं जिनके द्वारा परिणाम को पेज के ऊपर छापा जाता है। तो हमने ये कहा यहाँ पे ये कैसे हैं, तो ध्यान रख लेना जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी अस्थाई यानी टेम्परेरी, दूसरी बात यहाँ पे हार्ड कॉपी क्या है स्थाई यानी परमानेंट, क्या है परमानेंट है। और हमने कहा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फाइल होती है उसको सुनने का और देखने का कार्य होता है, लेकिन जो यहाँ पे जो फाइल होती है उसको पेज की सहायता से प्रिंट किया जाता है यानी पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है, ये कह सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे उदाहरण की जब बात करते हैं, यहाँ पे उदाहरण कौन से होते हैं, यहाँ पे जब उदाहरण के हम यहाँ पे बात करेंगे तो कौन से होंगे उदाहरण, तो यहाँ पे हमने कहा कि जो प्रिंटर है वो भी कार्य क्या करता है फाइल को प्रिंट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे उदाहरण की बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा हो जाता है? प्रिंटर हो जाएगा। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे प्लॉटर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्लॉटर हो जाता है। तो यहाँ पे दो आपके क्या हैं, यहाँ पे स्थाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने मान के चलो कोई फाइल थी उसको पेज के ऊपर प्रिंट कर लिया, चाहे अब पेन ड्राइव खराब हो चाहे हार्ड डिस्क खराब हो, अब वो जो पेज है हमारे वो पेज हमने क्या रख दिया है, सूटकेस में रख दिया है, यानी कहने के बक्से में रख दिए, वो 20 साल बाद में, 10 साल बाद में, 5 साल बाद में हम देखते हैं तो स्थाई मिलते हैं हमें। ऐसे कैसे मिलते हैं? जैसे हमारे प्रॉपर्टी के जो कागजात होते हैं हम उनको संभाल के रखते हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, ऐसे कैसे रहते हैं? तो कहने के में से क्या है, ये स्थाई होता है। कैसे है? स्थाई होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोई सी बात करते हैं, हमने कोई वीडियो देखा, ठीक है, वीडियो देखा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में हमारी मेमोरी में रहे नहीं, वो कुछ टाइम बाद में प्रॉपर वो मेमोरी में नहीं रहेगा हमारी क्या क्या हमने पढ़ा था आज से 10 साल पहले, लेकिन हमने मान के चलो उस वीडियो से जो जो कंटेंट था वो हमने लिख लिया पेज के ऊपर, और 10 साल बाद में उस पेज को हम देख रहे हैं तो शायद जो जो लिखा है हमने वो पूरा ही दिखाई देगा हमें। क्या दिखाई देगा? पूरा ही दिखाई देता है, क्योंकि वो कैसा है? स्थाई है। तो यहाँ पे हमने कहा स्पीकर के साथ हम यहाँ पे हेडफोन भी ले सकते हैं, लेकिन कारण क्या होता है, हेडफोन जो होता है, हेडफोन की बात करते हैं तो उसमें क्या सुनने का जो कार्य होता है, हेडफोन में दो कार्य होते हैं, एक तो सुनने का भी कार्य हो रहा है, साथ में क्या होता है माइक का भी कार्य होता है। तो हमने कहा यहाँ पे हेडफोन भी हम किस में काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट कॉपी में काउंट कर लेते हैं। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनता है
क्वेश्चंस जो बनता है वो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से देखिए जो क्वेश्चंस बनेगा वो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। यहां पे निम्न में से सॉफ्ट कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, इजी वे में क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं मॉनिटर, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे प्रिंटर, सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको स्पीकर, डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है जो सॉफ्ट कॉपी है उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे कौन सा नहीं है। हमने कहा सॉफ्ट कॉपी की बात की थी, तो हमने कहा था सॉफ्ट कॉपी कैसा है, अस्थायी आउटपुट होता है, अस्थायी आउटपुट होता है यानी टेम्परेरी आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे टेम्परेरी आउटपुट कौन कौन से है, यहाँ पे हमने कहा ये भी क्या है टेम्परेरी आउटपुट है, ये भी क्या है टेम्परेरी आउटपुट में आता है, ये भी क्या है टेम्परेरी आउटपुट में आता है, लेकिन प्रिंटर क्या है हार्ड कॉपी है, क्या है प्रिंटर हार्ड कॉपी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ की बात करें यहाँ पे प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का उपकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, बी ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे हार्ड कॉपी, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ये हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमने कहा कि प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है, तो हमें एक बात तो हमें यहाँ से क्लियर होती है कि जो प्लॉटर है वो किस तरह का है, तो वो आउटपुट है। दूसरी बात क्या है, आउटपुट में किस तरह का है, तो वो है हार्ड कॉपी, किस तरह का हार्ड कॉपी। तो हमने कहा सॉफ्ट कॉपी तो है नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इनपुट भी नहीं है, तो क्या है हार्ड कॉपी है और आउटपुट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है, हार्ड कॉपी है और आउटपुट है। तो आउटपुट तो कहीं दे नहीं रखा, तो यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट होता है, हार्ड कॉपी यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस पड़ेंगे, तो सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस पड़ेंगे कौन से पड़ेंगे, मॉनिटर पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे मॉनिटर पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस आती है कौन सी आती है, यहाँ पे जो फर्स्ट जो आउटपुट आती है कौन सी आती है, पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉनिटर। अब हमने सबने मॉनिटर देखा है, तो मैंने क्या कहा, हम सबने क्या देखा है मॉनिटर देखा है, चाहे जरूरी नहीं है कि हमारे पास है कि नहीं है, पर हमने सबने मॉनिटर देखा है। अब हमने कहा यहाँ पे जो मॉनिटर है, अब इसकी कुछ बातें याद रख लेना, एग्जाम में क्या क्या बातें याद रखना है। जो मॉनिटर है इसे क्या नाम दिया गया है, दूसरा नाम यहाँ पे वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कहा मॉनिटर को वीडियो, एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो वीडियो का पूरा नाम पूछा जाए या मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो वीडियो कहा जाता है, मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो हमने ये कहा कि जो मॉनिटर होता है वो किस तरह की डिवाइस है, वीडियो डिवाइस भी कहा जाता है इसे,
और आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें देखने का कार्य करा रही है। तो हमने कहा क्या कहा जाता है, इसे वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अब मैंने यहां पे कहा ये जो मॉनिटर है इस तरह से दिखाई देता है, हमें किस तरह से दिखाई देता है, यहां पे इस तरह से दिखाई देता है। तो अब हमने कहा यहां पे ये मॉनिटर हो गया यहां पे। अब मॉनिटर हो चाहे मोबाइल फोन हो, अगर मुझे बात की जाए मोबाइल फोन को अगर मार्केट में हम परचेज करके लेके आते हैं तो हमें वहां पे लिखा होता है डिस्प्ले कितने इंच की है, डिस्प्ले कितने इंच की है। तो जो मापने का जो तरीका होता है डिस्प्ले को वो कैसा होता है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों वो कैसा होता है, डायगोनली होता है। कैसा होता है, डायगोनली यानी विकर्ण रूप में ना मापा जाता है यहाँ पे। तो हमने कहा ये मॉनिटर है, इसको मापने का जो तरीका होगा कैसा होगा, तो वो जो तरीका होगा यहाँ पे तो ध्यान रख लेना ये तरीका होगा। कैसे मापा जाता है इसको, डायगोनली मापा जाता है, चाहे ऐसे मापे चाहे ऐसे मापे, बात एक ही है क्योंकि दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो किस तरह से मापा जाता है, कैसे नापा जाता है, डायगोनली। डायगोनली मापा जाता है यानी कहने का मिसे विकर्ण के द्वारा मापते हैं इसको, कहने का मिसे ये क्या है, विकर्ण के द्वारा। ये हमारा मॉनिटर हो गया। तो हमने कहा किस तरह से मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है यानी डिस्प्ले, और किस में मापा जाता है, इंच में होता है। जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल की 6.5 इंच स्क्रीन है हमारी मोबाइल की, या हम कहते हैं 5.35 है, 4 इंच की डिस्प्ले है मॉनिटर की, तो इस तरह से हम 5 इंच की है, 7 इंच की डिस्प्ले है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि 7 इंच की। तो कैसे मापते हैं, इस तरह से मापते हैं, क्योंकि मोबाइल क्या होता है आपका इस तरह से होता है, तो इस तरह से मापते हैं इसको, या फिर ऐसे मापेंगे। तो किस तरह से मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। तो इस बात को याद रख लेना, डायगोनली मापा जाता है। तो हमने कहा विकर्ण रूप में मापते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है, जो ये मॉनिटर होता है, हमने कहा जो ये मॉनिटर होता है, ये मैंने कहा ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर में छोटे छोटे बिंदु होते हैं यानी डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं यहाँ पे, इस तरह से छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे यहाँ पे, इस तरह से जो डॉट होते हैं यहाँ पे, इस तरह से डॉट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, याद रख लेना, इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे, इनको कहा जाता है पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डियर स्टूडेंट यहाँ पे पिक्सल कहा जाएगा इनको, क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। इस तरह से डॉट डॉट होते हैं यहाँ पे, क्या कहा जाता है इनको, पिक्सल कहा जाता है। तो इन क्या कहा जाता है, पिक्सल, और पिक्सल को कहने के मिसे पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। तो हमने कहा कि जो मॉनिटर की स्क्रीन है, इसके बात करें डेफिनेशन की बात करूं, मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे यानी सूक्ष्मतम छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है जिसे पिक्सल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। तो हमने ये कहा, और ये क्वेश्चन देखो पटवार में पूछा गया था ये क्वेश्चन पिक्सल का, यानी छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं इनको क्या कह देते हैं, पिक्सल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था पटवार में, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या याद रखनी है, तीन बातें याद रखनी है। एक बात तो यहाँ पे याद रखनी है, क्या कहा जाता है इसे, वीडियो कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। दूसरी बात यहाँ पे याद क्या रखनी है, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, जो मापने का तरीका होता है कैसा होता है, तो ध्यान रख लेना मापने का जो तरीका होता है कैसा होता है, डायगोनली मापते हैं। मापने का तरीका कैसा होता है, डायगोनली यानी विकर्ण रूप में मापते हैं। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, जो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं यानी डॉट होते हैं, कहने में से जो डॉट होते हैं, इन डॉट को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पिक्सल, और पिक्सल का पूरा नाम होता है पिक्चर एलिमेंट। क्या होता है, पिक्सल का पूरा नाम होता है पिक्चर एलिमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो पिक्सल होते हैं छोटे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है, तो पिक्सल कहा जाता है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मॉनिटर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर की जो बात करेंगे, तो मॉनिटर जो है, हमने ये बात कर ली मॉनिटर की, आप बात करें तो मॉनिटर में हम क्या कहते हैं कि अगर इसकी क्लियरिटी को मापना हो तो यहाँ पे कुछ तथ्य जो वर्क करते हैं उनकी बात करेंगे।
यानी हमने ये कहा मॉनिटर की स्पष्टता यानी क्लैरिटी तीन तथ्यों पर, यानी इसके अलावा भी तथ्य होते हैं लेकिन जो बेसिक में बात करें हम तीन तथ्यों पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हम तीन की बात करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये रखते हैं, तीन तथ्यों पर निर्भर करती हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कौन सा होता है पहले नंबर पे, जो आता है कौन सा आता है यहाँ पे, तो वो आएगा यहाँ पे रेजुलेशन, हिंदी में रेजुलेशन। अब होता क्या है ये रेजुलेशन, तो देखिए दोस्तों यहां पे अब रेजुलेशन की बात करते हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ये हमने कहा ये मॉनिटर हमारा क्या है, मॉनिटर है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया वर्टिकल हो गया। तो हमने कहा ये क्या है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है वर्टिकल, यानी जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार। अब हमने कहा कि जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो क्या होती है, छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनी होती है, यानी छोटे छोटे डॉट होते हैं, क्या होते हैं छोटे छोटे डॉट होते हैं, इनसे क्या होती है मिलकर बनी होती है। तो हमने यहां पे कहा इस तरह से डॉट होते हैं, इस तरह से डॉट होते हैं। अब हमने कहा ये जो डॉट होते हैं इनको तो कहते हैं पिक्सल। अब रेजुलेशन क्या होता है, अगर मैं कहूं यहां पे सिंपल सी बात, अगर मैं ये कहता हूं ये जो जगह है, अगर मैं यहां पे कहूं कि यहां पे मान के चलो कि यहां पे 10 कैंडिडेट की जगह है, क्या है 10 कैंडिडेट की जगह है, 9 और 1 10 कैंडिडेट की ही जगह है, वैसे यहां पे ऐसे मान के चलो अगर मैं 10 कैंडिडेट की जगह है, अगर यहां पे 5 है तो क्या होंगे दूर दूर होंगे वो, यानी खाली खाली से लगेगा रूम। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा ये रूम है इसमें 10 की जगह है, 10 जने हैं तो परफेक्ट लगते हैं, क्या 10 फुल, यानी जो बस की सीटर है 42 सीटर बस है तो 42 सीटर बस में 42 होंगे तो ठीक सा लगेगा। अगर मैं कहूँ वहाँ पे 42 में अगर 10 हैं तो खाली खाली से लगते हैं, हम ये कहते हैं खाली बस थी, 10 की सवारी थी, ये कहते हैं सिंपल सी बात है कहेंगे ये। अगर मैं कहूँ कि 42 सीटर उसमें 10 एक और खड़े बीच में, तो मैं ये कहता हूँ बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, यानी ऐसा लग रहा था बिल्कुल पास पास हैं सारे के सारे, तो मैं ये कहता हूँ। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे तो मॉनिटर की स्पष्टता क्या होगी अच्छी होगी, क्लियरिटी होगी, मॉनिटर की स्पष्टता क्या होगी अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी, सिंपल सी बात है, ऐसे मान के चलो कि मैंने कहा कि एक डॉट यहाँ पे ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे 5 डॉट यहाँ पे बना दिए, मैंने क्या बना दिए 5 डॉट बना दिए, ऊपर मैंने कहा कि 3 डॉट है नीचे 5 डॉट है। अगर मुझे मान के चलो कि एक लाइन खींचनी है, क्या खींचनी है लाइन खींचनी है, तो डियर स्टूडेंट कौन सी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी लाइन, देखो यहाँ पे ये मसलन सर आपके दो डॉट सही से भी नहीं बने, लाइन तो दोनों में खराब है, समझना है हमें तो बात को। तो मैंने ये यहाँ पे ये क्या कहा कि मैंने ये कहा यहाँ पे ऊपर वाले में 3 डॉट हैं नीचे वाले में 5 डॉट हैं, अगर मुझे यहाँ पे लाइन खींचनी हो तो लाइन जब मुझे खींचनी हो यहाँ पे तो लाइन क्या होगी यहाँ पे क्या होगी, जो लाइन है यहाँ पे सीधी होगी, लाइन जो होगी वो सीधी होगी। किस वाले में ज़्यादा सीधी है, यानी ज़्यादा सीधी किस में है नीचे वाले में, जहाँ पे ज़्यादा डॉट होंगे वहाँ पे क्या होगी लाइन ज़्यादा स्ट्रेट होगी सीधी होगी, और जहाँ पे कम डॉट होंगे वहाँ पे लाइन क्या होगी सीधी नहीं होगी। तो कहने के मिसाल यहाँ पे स्पष्टता ज़्यादा है कंपेयर टू इसके। तो मैंने ये कहा यहाँ पे स्पष्टता क्या है ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह मैंने कहा कि यहाँ पे जो अगर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जितने ज्यादा पिक्सल होंगे तो क्या होगा जो मॉनिटर की स्पष्टता है वो उतनी ही क्या होगी अच्छी होगी, मॉनिटर की स्पष्टता उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो कहने के मिसाल अगर मैं बात करूं रिजोल्यूशन की बात करूं तो रिजोल्यूशन होता क्या है, अब मैंने कहा यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल के लिए समझना चाह रहा हूँ किस तरह से समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहा ये डॉट है यहाँ पे 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा कि ये 5 इस तरह से लिए और 3 ये ऐसे हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन निकालूं, ये समझाने के लिए, क्योंकि इतने तो होंगे नहीं मॉनिटर में, ये समझाने के लिए लिया मैंने, कहा कि यहाँ पे जो मॉनिटर है मॉनिटर में पांच डॉट, तो अगर मुझे यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन निकालना हो तो इसका रेजोल्यूशन कितना होगा, तो मैंने ये कहा यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, 5 × 3 क्या होगा, 5 क्या है हॉरिजॉन्टल है और 3 क्या है वर्टिकल है, 5 क्या है हॉरिजॉन्टल 3 क्या है वर्टिकल, तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कितना होगा, 15 पिक्सल होंगे, टोटल कितने पिक्सल होंगे 15। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे अब क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर याद रखना अब क्या होगा 5 × 4 तो कितना हो जाता 20। अब जितने ज़्यादा क्या होंगे रेजोल्यूशन होंगे तो पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे, यानी ऐसे मान के चलो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे तो रेजोल्यूशन भी क्या होगा ज़्यादा ही होगा, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। मैंने कहा कि यहाँ पे 5 पिक्सल और लिए तो रेजोल्यूशन भी तो बढ़ा ना यहाँ पे, तो रेजोल्यूशन भी क्या बढ़ा। तो मैंने ये कहा कि दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपके पिक्सल होते हैं उनका गुणनफल यानी इनटू क्या कहलाता है यहाँ पे, रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो ये बात हमने यहाँ पे की, तो यहाँ पे लिखना क्या आपको, तो वो भी याद रख लेना। तो लिखने की बात करें यहाँ पे, तो लिखना क्या है यहाँ पे, तो ये बात हमने कर ली, यहाँ पे लिखना क्या आपको स्क्रीन में 36 यानी हॉरिजॉन्टल तथा ऊर्ध्वाकार वर्टिकल पिक्सल का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई पिक्सल का गुणनफल क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है, रिजोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, रिजोल्यूशन कहते हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई, इसके साथ जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही रिजोल्यूशन अधिक होगा तथा चित्र यानी क्लियरिटी चित्र स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या होगा कि हमने कहा कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे तो रेजोल्यूशन भी तो ऑटोमेटिक उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, रेजोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये किसकी बात की, रेजोल्यूशन की। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेजोल्यूशन होता है, क्या रेजोल्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार जो पिक्सल होते हैं दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, दोनों को गुणा क्या कहलाता है, उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा ये है इस तरह से है 1940 एग्जाम्पल लिया हमने 1920 1040। तो 1920 क्या है, 36 हैं इसके, क्या हैं 36 हैं, और 1040 क्या हैं इसके, वर्टिकल हैं। दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, इसका रेजोल्यूशन कहलाएगा। तो ये तो क्या हो गए, 36 हो गए और ये वर्टिकल हो गए, तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। दूसरी यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दूसरा जो बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या आता है यहाँ पे, डॉट पिच। डॉट पिच होता क्या है, ये डॉट पिच, तो हमने ये कहा यहाँ पे डॉट पिच की बात करें, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये हमारे क्या हैं पिक्सल हैं, इस तरह से क्या हैं पिक्सल हैं, इस तरह से पिक्सल हैं, इनके दोनों के बीच की विकर्ण दूरी को मैं क्या कहता हूँ, दोनों के बीच के विकर्ण दूरी को क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे, तो इनको मैं क्या कहता हूँ, डॉट पिच कहता हूँ। क्या कहता हूँ, डॉट पिच। ये जितनी ज़्यादा कम होगी
तो क्या होगा, स्क्रीन की जो स्पष्टता है वो क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो यानी दो 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 पिक्सल के विकर्ण दूरी को, दो पिक्सल के विकर्ण दूरी को डॉट पिच या क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोरस पिच भी कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पिच भी डॉट पिच भी कहते हैं। तो हमने ये कहा, क्या कहा जाते से पिक्सल के विकर्ण दो दूरी होगी, यानी दो दो आपके क्या होंगे, पिक्सल होंगे, उनके जो बीच के डायगोनल दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, डॉट पिच कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, उनको फास्फोरस पिच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोरस पिच भी कहा जाता है। अब दूसरी बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, इसे मापने का तरीका होता है, इसे मिली मीटर में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? मिलीमीटर में मापा जाता है। तो हमने ये कहा, इसे किसे में मापते हैं? मिलीमीटर में मापते हैं, यानी जो दूरी होती है वो किस में मापी जाती है? तो दूरी किसे मापी जाती है? मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट है, डॉट पिच को क्या कहते हैं? फास्फोरस पिच भी कहते हैं। दो विकर्ण यानी दो पिक्सल के विकर्ण दूरी को क्या कहते हैं हम? डॉट पिच या फॉस्फोरस पिच कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है डियर स्टूडेंट, क्या किसे मापते हैं इस दूरी को? तो इसको मापते हैं मिलीमीटर में मापते हैं। किसे मापते हैं? मिलीमीटर में मापते हैं। अब तीसरा जो तथ्य यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है वो कौन सा है? रिफ्रेश रेट। अब ये क्या होता है रिफ्रेश रेट? तो याद रख लेना, रिफ्रेश रेट की बात करें, अगर मैंने ये कहा कि जो कम एक सेकंड में कम जो मॉनिटर है जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट कहलाती है। मॉनिटर एक सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है, उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। मैंने ये कहा कि एक मॉनिटर एक सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश हो रहा है, यानी रिफ्रेश होने का मिस होता है कि हमने जैसे मान के चलो कि हमने देखे हो कि एनिमेशन मूवी देखी हो, चाहे वो मोटू पतलू हो छोटा भीम ये देखे होने, तो हमने कहा कि वो वहाँ पे क्या होते हैं फ्रेम की बात करते हैं, एक सेकंड में कितने फ्रेम वो जा सकती हैं, तो हम फ्रेम की बात करते हैं। मैंने कहा कि इस तरह से हैं, अगर मैंने कहा कि ये चार पाँच फ्रेम है, अगर इनको मैं कंटिन्यू प्रेस करूँ एक सेकंड में इनको लगातार आई ये फोटो, तो क्या लगेंगी हमें? चलती हुई दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? चलती हुई दिखाई देती हैं। तो मैंने ये बात की यहाँ पे चलती हुई दिखाई देती हैं। अब मैंने ये बात की यहाँ पे, अब देखिए सिंपल सी बात है, एक फोटो मैंने ये है मेरा हैंड, दूसरी फोटो यहाँ पे, तीसरी है, इस तरह से मैंने यहाँ तक क्या ले ली, मैंने मान के चलो 30 फोटो ले ली इस तरह से, एक दो तीन चार इस तरह से 30 ले। अब इनको मैं कंटिन्यू एक सेकंड में 30 फोटो को मैं चलाऊँ, यानी एक सेकंड में 30 के 30 फोटो को मैं चलाता हूँ, तो मेरा क्या लगेगा? इस तरह से चलता हुआ दिखाई देगा, इस तरह से तो चलता दिखाई देगा, तो क्या लगेगा? मुझे लगेगा वीडियो चल रहा है। एक्चुअल में क्या है वो? है क्या वो? फोटो तो है, एक सेकंड में उन फोटो को क्या किया? चला दिया। जब वो फोटो चलते हैं तो क्या दिखाई देता है? हमें चलता हुआ दिखाई देता है। तो वही क्या है वहाँ पे? वो फ्रेम रेट होती है, यानी फ्रेम होती है। अब हमने कहा कि जब मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना, एक सेकंड में कई बार क्या होती है? मिटती है और बनती जाती है। तो वो इसीलिए मिटती है बनती जाती है क्योंकि वहाँ पे जो फॉस्फोरस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मिटने और बुझने का कार्य करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे मॉनिटर क्या होता है? एक सेकंड में जितनी बार क्या होता है? रिफ्रेश होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है?
अब इसको मापने का तरीका क्या होता है, रिफ्रेश रेट को, रिफ्रेश रेट को, रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना किसे मापा जाता है, हर्ट्ज में। तो इसको ध्यान रख लेना किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिफ्रेश रेट को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। तो हमने देखा होगा जब मॉनिटर हम खरीद के लाते हैं, मेनली जो मॉनिटर खरीद के लाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 50 या फिर हो सकता है 60 लिखा हो, 60 हर्ट्ज लिखा हो। तो इस तरह से लिखा होता है 50 हर्ट्ज का, 60 हर्ट्ज का। तो यही है कि वो एक सेकंड में कितनी बार क्या होगा, रिफ्रेश होता है, मिटता है, यानी स्क्रीन कितनी बार मिटेगी और कितनी बार बनेगी, वो संख्या क्या है यहाँ पे, रिफ्रेश रेट होती है। तो आपको सिंपल सा ये वाला वर्ड याद रख लेना, किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, जो बात करते हैं यहाँ पे सिंपल से आता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो मॉनिटर हैं वो अलग अलग आते हैं, जो हमने पहले देखे होंगे मॉनिटर, वो देखे होंगे CRT मॉनिटर देखे होंगे। अब हम देखते हैं LED, LCD, TFT मॉनिटर, इस तरह से मॉनिटर आजकल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो पहले वाला जो मॉनिटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो यहाँ पे जो मॉनिटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करता हूँ, तो सबसे पहले कौन सा आता है, CRT आता है। अब इस CRT का पूरा नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, CRT का पूरा नाम भी पूछा जाता है। पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे, तो इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे 2। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डियर स्टूडेंट, CRT का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने जो हमने देखे हों टीवी, जिनके कहने के वैसे बैकएंड इस तरह से होता था, कहने के वैसे बैकएंड क्या होता था, देखे हमने कहा यहाँ पे ये स्क्रीन हमारी, इस तरह से बैकएंड होता था यहाँ पे, इस तरह से बैकएंड होता था इनका। तो स्क्रीन जो बात करें हम, इस तरह से बैकएंड होता था, देखे होंगे आपने, ट्यूब सा होता था इस तरह से। तो वो क्या थे, CRT मॉनिटर थे, ठीक है। अभी CRT मॉनिटर क्या थे, वजन भी ज़्यादा थे, पहले शटर वाले आते थे ब्लैक एंड वाइट, लेकिन आजकल क्या है, आजकल आपके क्या हो गए, स्लिम हो गई है। तो हमने कहा ये CRT मॉनिटर है। इस CRT मॉनिटर में यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, इसके पीछे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी स्क्रीन के पीछे की तरफ क्या लगे होते हैं, फास्फोरस लगे होते हैं। क्या लगा होता है, फास्फोरस का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है, फास्फोरस का, फास्फोरस का लेप, फास्फोरस का लेप लगा होता है। अब हमने कहा यहाँ पे एक यहाँ पे क्या होती थी, गन होती थी, क्या होती थी, गन होती थी यहाँ पे, इस तरह से गन होती थी, इलेक्ट्रॉन गन, क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन गन, जिसके सहायता से इलेक्ट्रॉन जाते थे, क्या जाते थे, इलेक्ट्रॉन गन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये कहने के मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहीं पे भी टकरा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लगाए जाते थे यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे डिफ्लेक्शन कोयल लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी, डिफ्लेक्शन कोयल, डिफ्लेक्शन कोयल, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन कोयल लगाई जाती थी। अब ये इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन पे, तो ये सीधे यहाँ से जाके कहाँ पे टकराते थे, स्क्रीन के ऊपर टकराते थे। कहाँ टकराते थे, स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है स्क्रीन के ऊपर जहाँ टकराते थे, वहाँ की स्क्रीन क्या होती थी, चमकने लग जाती थी। तो इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता था, चित्र दिखाई देने लगता था, क्या दिखाई देने लगता था, चित्र। तो हमने ये कहा है यहाँ पे, तो याद क्या रखना है यहाँ पे, कैथोड रे ट्यूब पूरा नाम याद रखना है। जो इस पे लेप लगा होता था, यानी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर पीछे की तरफ किसका लेप लगा होता था, फास्फोरस का लेप लगा होता था। इसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन जाते थे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ टकराते थे वहाँ पे की स्क्रीन क्या होती थी, चमकने लग जाती थी। तो याद रख लें इसकी स्क्रीन पर पीछे की तरफ फास्फोरस का लेप होता था, लेप होता था।
तो ये याद रख लेना, इतना ही बस तीन बातें याद रखनी है, सीआरटी का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉन गन और लेप कौन सा लगा होता था, फॉस्फोरस लेप लगा होता था। यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में बनने की कोई संभावना रहती नहीं है, तो इतना याद रख लें सीआरटी मॉनिटर में। इसके बाद दूसरा जो आता है यहाँ पे, नाम याद रखने इनके, एक नाम याद रखना है एसिडी का, तो एसिडी के पूरे के नाम की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा यहाँ पे तीसरे की जो बात करें यहाँ पे एलईडी का पूरा नाम याद रख लेना, तो एलईडी का पूरा नाम पूछा भी जाता है लाइट इमिटेड डायोड, एक इसका पूरा नाम पूछा जाता है। यहाँ पे लास्ट जो हम बात करें यहाँ पे टीएफटी, इसका पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो मॉनिटर बाद में आते हैं इनके नाम याद रखना है, क्यों नाम याद रखना है, यहाँ पे एलसीडी जो मॉनिटर है ये सबको हमें पता है कि ये किस तरह के हैं, ये सारे सारे फ्लैट वाले हैं। कैसे हैं, सबके सब फ्लैट हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट हैं, यानी बिल्कुल चपटे हैं, क्या हैं, फ्लैट हैं, यहाँ पे कैसे हैं, फ्लैट हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लेकिन इसकी थोड़ी सी बात याद रखना, इसमें पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से चार ट्रांजिस्टर लगे होते थे, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसकी वजह से इसको किसी भी कोने से यानी एंगल से देख सकते हैं, यानी हमने ये कहा कि किसी भी एंगल से देख सकते हैं। क्या लगे होते हैं यहाँ पे देखो, पहला हमने सीआरटी पढ़ा, दूसरा हमने एलसीडी पढ़ा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा हमने पढ़ा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। देखो यहाँ पे जाने से लिए नहीं जरूरी है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, तो दो प्लेट होती है, दो प्लेट के बीच में क्या होता है, लिक्विड पर जो आपका कहने के मुझसे दरो था वो लगा होता था यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड की बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे आपके लाइट्स होते हैं, एलईडीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हम किसी भी एंगल से स्क्रीन को देखेंगे तो हमें क्या देता है, स्पष्ट दिखाई देते, किसी भी एंगल से हम स्क्रीन को देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी किसी भी कोने से देख सकते हैं, तो ठीक है, यानी किसी भी स्क्रीन को किसी भी कोने से देखा जा सकता है, ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पे। अब दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे जो हमने कहा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो होता है, मैंने कहा ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, यहाँ पे जो हम कहते हैं दोनों को जोड़ने के लिए जो तार लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं वायर, जिसको बोलते हैं अडेप्टर, जो अडेप्टर लगा होता है, कौन कौन से अडेप्टर होते हैं हम उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन से वीडियो स्टैंडर्ड होते हैं, यानी अडेप्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रख लें वीडियो स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, वीडियो अडेप्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे, वीडियो अडेप्टर, पहला यहां पे हम बात करें सीजीए, तो इसका पूरा नाम याद रख लेना, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर। तो कहने के में से ये जो था, ये था 9 पिन का था, कितने पिन का था, 9 पिन का था। इसके बाद
दूसरा जो यहाँ पे आता है ईजीए इनहास्ट ग्राफिक्स ग्राफिक अडेप्टर, ये भी क्या थे, दोनों 9 पिन के थे। इसके बाद जो आता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है जो हम यूज में लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर में आज के टाइम में, वीजीए। नाम सुना होगा वीजीए। इस वीजीए की बात करें, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। इसके बाद आता है सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। यहाँ से पूछे जाते हैं ये जो है यहाँ पे ये कितने पिन के हैं, 15 पिन के, और ये जो है यहाँ पे ये कितने, 9 पिन के आते हैं। कितने पिन के आते हैं, 9 पिन के आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि एक तो इसका पूरा नाम पूछ लेता है, वीजीए का पूरा नाम क्या है, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर होता है, और दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, देखें यहाँ पे पूरे नाम याद रखने इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने का जो तार होता है, वायर होता है, उसको अडेप्टर बोला जाता है। तो ये चार तरह के अडेप्टर की हमने यहाँ पे बात की है, कौन कौन से। सबसे पहले जो आए थे सीजीए आए थे, कलर ग्राफिक अडेप्टर, और उसके बाद ईजीए इनहांस्ड ग्राफिक अडेप्टर, इसके बाद वीजीए वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, सुपर वीजीए। अब हमने कहा यहाँ पे देखो डिटेल, हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, यहाँ पे 9 पिन और 15 पिन। अब यहाँ से आरएससीआईटी में क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पे वीजीए में कितनी पिन होती है, कितनी पिन होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि कितनी पिन होती है। तो यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे 9, 12, 15, 6, तो यहाँ पे जो पिन होती है वो कितनी होती है, 9 पिन होती है। किस तरह से होती है देखो, ये ध्यान रख लेना, देखा भी हो आपने ब्लू कलर का, आपने देखा होगा उस ब्लू कलर में इस तरह से होते हैं, क्या होती हैं, इस तरह से होते हैं। तो जो 5 होती हैं, 5 तो इस तरह से होती हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे इस तरह से होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से पिन देखे होंगे आपने, और इस तरह से ये पिन होती हैं, इस तरह से ये पिन होती हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो है ये क्या है, 15 पिन का होता है, कितने पिन का होता है, 15 पिन का। ये आरएससीआईटी में क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, किसने पूछ लिया था, आरएससीआईटी में क्वेश्चन पूछ रखा है पहले भी, कि जो वीजीए जो केबल होती है, अडेप्टर होता है, वीडियोग्राफिक अडेप्टर, उसमें कितनी पिन होती हैं, तो उसमें होते हैं, ध्यान रख लेना, जिनके पास से कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तो आज ही देख सकते हैं कि इसमें जो केबल हैं वो देख लेना, केबल में जो अडेप्टर होता है उसमें कितनी पिन होती हैं, तो ध्यान रख लेना, वहाँ पर आपको 15 पिन का स्लॉट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो कितनी होती हैं, 15 पिन होती हैं। ये हमने किसकी बात की, आज जो हमने बात की वो किसकी बात की थी, मॉनिटर की बात की थी, किसकी बात की हमने दोस्तों, मॉनिटर की। अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रिंटर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रिंटर रहेगा, और प्रिंटर की हम बात करें यहाँ पे, प्रिंटर की जब हम बात करें तो सिंपल सी बात है, याद रख लेना दोस्तों, जो प्रिंटर होगा दूसरे नंबर पे हम बात करें प्रिंटर, हार्ड कॉपी में आता है, किस में आता है, हार्ड कॉपी में आता है, ठीक है। दूसरी बात हमें याद रख लेना, इसको परिणामों को अगर हमें पेज के ऊपर प्रिंट करना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं, यानी छापना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी जो क्वालिटी थी, इसकी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसकी क्वालिटी को डीपीआई में डॉट पर इंच में मापा जाता है, यानी जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है किस में मापा जाता है, डीपीआई में मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो ये याद रख लेना, डीपीआई में मापा जाता है, किसमें, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, डीपीआई का पूरा नाम पूछ लेता है कि किसमें मापा जाता है, तो डॉट पर इंच में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे यह पूछ लेता है प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, तो डीपीआई में मापी जाती है। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, यानी बात एक ही है, डीपीआई को याद रखना है, यानी डॉट पर इंच को याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन दो तरह के बन जाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे जो प्रिंटर के टाइप्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक डायग्राम होता है, उस प्रिंटर के टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर में। तो हमने कहा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो सबसे पहले हमने कहा जो प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो हमने कहा जो प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट होता है और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। तो हमने कहा इम्पैक्ट की बात की, हमने कहा यहाँ पे इम्पैक्ट, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो हमने कहा प्रिंटर दो प्रकार के होंगे, एक होगा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, दूसरा होगा यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमने ये कहा कि जो प्रिंटर दो प्रकार के, ये दो प्रकार हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने कहा जो प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें दो कैटेगरी आती है, इसमें भी दो कैटेगरी आती है। कौन कौन सी आती हैं दो कैटेगरी? तो याद रख लें दो कैटेगरी यहाँ पे जो होंगी, तो कौन सी होंगी यहाँ पे? एक होगा सीरियल और एक होगा यहाँ पे लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो ये भी आपके क्या हो गए? दो भागों में बांट दिए इसको भी। किसको? इम्पैक्ट प्रिंटर को, दो भागों में। अब हमने कहा जो सीरियल प्रिंटर होते हैं वो भी क्या है यहाँ पे? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो? तो याद रख लेना, एक होता है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे क्या कहा जाता है? डीएमपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएमपी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे बात करें डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। मैंने ये कहा डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर की, दो भागों में बांटा था ना, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इम्पैक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैंने, एक सीरियल प्रिंटर में, एक लाइन प्रिंटर में। अब मैंने कहा कि जो सीरियल प्रिंटर है इसमें दो आते हैं, एक आता है डीएमपी, यानी डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा आता है डेजी व्हील प्रिंटर। और अब बात करता हूँ लाइन प्रिंटर में, तीन प्रिंटर आते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? तो एक आता है यहाँ पे, ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो तीन आते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे आता है ड्रम, कौन सा आता है? ड्रम। दूसरा यहाँ पे आता है चैन, तीसरा यहाँ पे आता है यहाँ पे बैंड। तीन प्रिंटर हो गए यहाँ पे, ड्रम चैन बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो हमने यहाँ पे बात की, इसके बाद हमने कहा यहाँ पे एक ही टाइप आता है, वो आता है पेज प्रिंटर का। कौन सा आता है? पेज प्रिंटर का, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। कौन सा आता है? पेज प्रिंटर का। इसके बाद हमने कहा जो पेज प्रिंटर होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तीन तरह के प्रिंटर होते हैं। पेज में कितने तरह के प्रिंटर होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे इंकजेट, कौन सा होता है? इंकजेट। दूसरा लेजर, कौन सा होता है? लेजर। और थर्ड कौन सा होता है? थर्मल। कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर। इंकजेट, लेजर प्रिंटर और यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। अब देखो यहाँ पे ये मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। प्रिंटर को मैंने दो भागों में बांटा, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। अभी मैं इनकी डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहा कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे इम्पैक्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक होता है सीरियल और एक होता है लाइन प्रिंटर। और मैंने कहा कि यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की, मैंने कहा उसे किस में बांटा मैंने? पेज प्रिंटर में, ठीक है। सीरियल प्रिंटर में दो प्रिंटर आते हैं, कौन कौन से दो प्रिंटर आएंगे? एक आएगा डीएमपी प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा कौन सा आता है? डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद मैंने कहा लाइन प्रिंटर को भी मैंने, तीन होते हैं लाइन प्रिंटर में, कौन कौन से होते हैं? ड्रम चैन बैंड प्रिंटर। कितने होते हैं?
तीन होते हैं। इसके बाद मैंने कहा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात की, मैंने यहाँ पे पेज प्रिंटर होते हैं, इंकजेट होता है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होते हैं। हमने अभी तक जो नाम सुनने को देखे हमें मार्केट में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये दो तरह के प्रिंटर को हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में। अब देखो रीजन में बात करूँ, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको अभी, तो अभी हमें हमने क्या याद रखना, सीरियल क्या होता है ये भी याद रख लेना। सीरियल क्या होता है, यहाँ से सीरियल की अगर मैं बात करूँ तो एक बार में क्या करता है, एक अक्षर छापने का कार्य करते हैं, एक बार में एक अक्षर छापने का कार्य करते हैं। और यहां पे लाइन प्रिंटर की मैं बात करूं तो लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक लाइन छापेंगे, एक बार में एक लाइन छापने का कार्य करते हैं। और पेज प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक पेज, दो पेज, यानी एक बार में पेज को प्रिंट करने का कार्य करते हैं, एक बार में पेजों को प्रिंट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से सीरियल का मिस क्या होता है, सीरियल में कहते हैं सीरियल आ रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं, तो डेली एपिसोड आते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, यानी एक एक अक्षर, ठीक है, लाइन एक एक लाइन, पेज पेज प्रिंटर, यानी एक बार में पेज को प्रिंट करने का कार्य करता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से कि इनमें से सीरियल प्रिंटर कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए सीरियल में कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल। या फिर पूछेगा लाइन प्रिंटर, इनमें से लाइन प्रिंटर कौन सा नहीं है, या इनमें से लाइन प्रिंटर कौन सा है। या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, या फिर पूछेगा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रख लेना, बेसिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से आप देख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि कैटेगरी वाइज हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे जो बात करते हैं, जो बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो अगली हम जो बात करेंगे, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम यहाँ पे बात करते हैं, उसमें हम बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर में से जितने प्रिंटर आते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर और प्रिंटर वाला जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये ज़्यादा थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है। बाकी हमें क्या होता है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इनको इतना मतलब इनकी जो लाइनें जो कम हैं और उनको कम यानी डिटेल उनकी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हाँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है हमें पढ़ने में, ठीक है। और तो मैंने बता दिया किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लीजिए, और मैंने ये भी कहा है कि जैसे आपका क्या होता है टॉपिक एंड होता है, उस टॉपिक एंड होने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस होंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपको शायद ही आपको कहीं जाके कहीं दूसरी बुक में आपको क्वेश्चंस देखने की पड़ेगी कि हाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चंस देखूँ, और वो तो ऐसा आपको जानने की कोई ज़रूरी नहीं होगी। यहाँ से आपको इतना मैटर मिलेगा, आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। धन्यवाद।